CAA और NRC कानून एक बार फिर सुर्खियों में। दरअसल 2019 में इसी कानून के चलते जामिया में प्रदर्शन देखे गए थे, लेकिन इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया था और अब जामिया हिंसा के इसी मामले पर पूरा का पूरा खेल ही पलट गया है। दरअसल इस हिंसा में शामिल लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए अपना निर्णय सुनाया है। बता दें, दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस मामले में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। याद दिला दें कि अदालत ने हाल ही में 4 फरवरी को सभी 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन मोहम्मद इलियास के खिलाफ गैर कानूनी असेंबली और दंगा करने के आरोप तय किए गए थे। दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रही और इन 11 आरोपियों को बलि का बकरा बनाया। उसके बाद ये मामला साकेत कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। अब इस मामले में शर्जील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तन्हा सहित 9 आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। बाकी 2 लोगों को राहत मिल गई है और दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 के खिलाफ अलग अलग धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तान्हा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर IPC 143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप दर्ज किए हैं। बाकी 2 लोगों की, यानी कि मोहम्मद अबूजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में साफ है कि शर्जील इमाम, बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो न केवल दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे। पूरा मामला ये था कि दिसंबर 2019 में दिल्ली की जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों और स्थानीय लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इन लोगों ने ऐलान किया कि वो संसद तक रैली निकालेंगे। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्र यूनिवर्सिटी में घुस गए। उसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी और उसके आसपास इलाकों में हिंसा भड़क गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया था। इन लोगों के खिलाफ दंगा करने और गैर कानूनी रूप से जमा होने समेत IPC की कई धाराओं में केस किए गए थे। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।